समाज में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। 6 दिसंबर को यानी आज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि है। उनकी याद में महापरिनिर्वाण दिवस जाता है। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज हम आपको उनसे जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनसे आज भी कई लोग वाकिफ नहीं हैं। जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कई बीमारियों से जूझते रहे थे बाबा साहेब। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए यह सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। बाबा साहेब का राज्यसभा में आखिरी दिन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्रवाई में शिरकत करने का था। बाबा साहेब 12 नवंबर को पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के कद का अंदाजा हो जाता है। भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बौद्ध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफर की थकान से निढाल हो रहे थे। तबीयत खराब होने के बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौरा था। बाबा साहेब की जिंदगी के आखिरी 24 घंटे। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहेब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहब चाय की ट्री लेकर उनके कमरे में गईं और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ ही चाय पी। रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधि मंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहेब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहेब और उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद जैन धर्म के प्रतिनिधि मंडल ने बाबा साहेब से इजाजत लेकर विदा ली। उसके बाद बाबा साहेब ने मन ही में बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। बाबा साहेब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस वक्ती तौर पर नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज वो तलाश रहे होते थे वो जाता था तो अगले ही पल उनकी नाराजगी काफूर हो जाती थी। बाबा साहेब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वो बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। रात के खाने के वक्त बाबा साहेब ने थोड़ा सा खाना खाया। उनके खाने के बाद माई साहब ने खाना खाया। बाबा साहेब माई साहब के खाना खत्म करने का इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा, चलो कबीर तेरा भव सागर डेरा, बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थी। रोजमर्रा की उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। देश के लिए बहुत बड़ा झटका था बाबा साहेब अंबेडकर का जाना। 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह, जिसकी शुरुआत सूर्योदय से हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को माई साहेब रोज की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहेब को जगाने उनके कमरे में गईं। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहेब ने बाबा साहेब को 2-3 बार आवाज लगाई पर वो नहीं उठे। सोते हुए ही बाबा साहेब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहेब को जबरदस्त धक्का लगा, वो रोने लगी। बाबा साहेब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थक सदमे में आ गए। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हुए बाबा साहेब। बता दें कि विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहेब पहले भारतीय थे। जब वो 1926 में भारत आए तब उन्हें मुंबई की विधानसभा का सदस्य चुना गया। वो आजाद देश के पहले कानून मंत्री बने। साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।